हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नमक मिर्च के पराठे, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और घर पे मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाते हैं। ये जो पराठे हैं, आप इसे सुबह में चाय के साथ खा सकते हैं या डिनर में दही के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जी, दाल, कढ़ी या अचार या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। नमक मिर्च के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। ये जो गेहूं का आटा है एकदम फाइन वाला है। पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप आटा। ये जो आटा है वो रोटी वाला है, एकदम फाइन वाला। दूसरा 1 कप ले लेती हूँ और पूरा भर के लेना है। अब इसमें डाल देती हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 बड़े चम्मच तेल। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आटे के साथ तेल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा तैयार कर लेते हैं। अच्छे से मसल कर एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। थोड़ा सा तेल हाथ में ले लेते हैं और डो को ऐसे ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये सूखे नहीं। वापस इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं। अब इसे गीले कपड़े से ढक देते हैं। आटे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं और इसके बाद हम बेलेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे वापस थोड़ा सा मसल लेते हैं। थोड़ा सा मैं घी वाला हाथ कर लेती हूँ और इसे अच्छे से मसल ले। अब देख सकते हैं कितना स्मूथ डो तैयार हुआ है। अब इसके गोले तैयार कर लेते हैं। इस तरह से सारे गोले तैयार कर लेते हैं। 2 कप आटे से 8 पराठे तैयार होते हैं। ये सारे गोले को ढककर रख देते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा और चावल का आटा लिया है और दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं का आटा भी ले सकते हैं और या चावल का आटा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों मिक्स कर रही हूँ ताकि बेलने में इजी रहे। अब इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आटे के साथ इसे रोल कर रही हूँ। अब इसे बेल लेते हैं। इसे पतला बेलना है। अब इसके ऊपर घी लगा देते हैं। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं पर घी में बने हुए पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं।
लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पराठे के ऊपर इसे स्प्रिंकल कर लेते हैं। ड्राई फुदीना पाउडर, इसे भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं। फुदीना का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आपको फुदीना पसंद है तो आप ये ज़रूर डालें। अजवाइन, इसे भी पराठे के ऊपर स्प्रिंकल कर लेते हैं। नमक जस्ट थोड़ा सा ही, क्योंकि हमने पराठे में ऑलरेडी डाला हुआ है। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। अगेन इसके ऊपर घी लगा लेते हैं। थोड़ा सा आटा छिटक देते हैं। वापस इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब इसे आटे में इसे लपेट लेते हैं। हल्के हाथ से इसे बेलना है। बेलने में जल्दी ना करें, हल्के हाथ से बेलना है ताकि मसाला बाहर ना निकले। पराठा मैंने बेल लिया है, एक साइड मैंने तवा भी गरम करने के लिए रख दिया है। तवा हमारा गरम है, पराठा सेक लेते हैं। पराठा हम घी में सेकेंगे, अगर चाहे तो आप तेल में भी सेक सकते हैं, पर घी में सेके हुए पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप घी में सेकें। पराठे को पलट देते हैं। अब इसके ऊपर घी लगा देते हैं। अब इसे वापस पलट लेते हैं और दूसरी साइड भी घी लगा लेते हैं। ये पराठा आप सुबह में चाय के साथ सर्व करें या दही के साथ, सब्जी, दाल फ्राई, दाल मखनी किसी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इवन आप इसे दही या पिकल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अजवाइन डाला था लेयरिंग में, अगर आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं ये लेयर्स। यहाँ पे मैंने नमक मिर्च के पराठे, ड्राई आलू की सब्जी, हरी चटनी, दही और पिकल के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहे तो इसे सब्जी, दाल फ्राई या दाल मखनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।